बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर तो अब लगता है कि भारत में आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं बल्कि उधार कार्ड बनवाने की जरूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन से आई महंगाई से मजदूरों के ऊपर इतना उधार हो गया है कि उसको भी चुकाने के लिए उधार की जरूरत पड़ने लगी है। एक वक्त था जब महंगाई के नाम पर देश की सरकार गिरा दी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी का वह कार्यकाल तो आपको याद ही होगा जब महज प्याज के एक महंगाई के नाम पर पूरी सरकार गिरा दी गई थी। ऐसा ही साल 2012 में भी हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी विपक्ष में थी, महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी परेशान हो गया था। तब बीजेपी के नेताओं ने उस समय महंगाई को इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से ही बाहर हो गई। जो बीजेपी के नेता आजकल बढ़ती हुई महंगाई पर चुप्पी साधे एसी कमरे में बिना आम जनता की परवाह किए मौज काट रहे हैं, वही तगड़ी धूप में 2012 में बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ चक्का जाम करते हुए कहा करते थे कि इस महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में महंगाई पहली बार आया है, ऐसा भी नहीं है कि भारत में पहली बार किसी खाने वाली वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इससे पहले भी कई सारे खाने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं, लेकिन मुद्दा अब इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि मौजूदा समय में महंगाई पिछले 11 सालों में सबसे उच्च स्तर पर है। अप्रैल 2021 में थोक महंगाई दर WPI के अनुसार 10.49% पर रही है, जो कि थोक महंगाई दर में भारत के इतिहास में अब तक सबसे उछले स्तर पर है। लेकिन इस पर अब भी आम नागरिक सरकार के खिलाफ बोलने से कतरा रहा है और इसी वजह से महंगाई चुनावी मुद्दों से बाहर हो गया है। आपको हैरानी होगी कि CSDS की आंकड़ों के अनुसार 1980 की बात करेंगे तो 1980 के चुनाव में महंगाई जहां 25% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा थी, लेकिन जब बात 2019 की आती है तो यह आंकड़ा गिर के महज 4% हो जाती है। यानी यह कि भारत के लोग अब खुद को इतना अमीर मान चुके हैं कि उनके लिए महंगाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य अब कोई चुनाव मुद्दा ही नहीं रह गया है। अब आपको कुछ घरेलू वस्तुओं के रेट बताते हैं जिनके रेट हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। आज से साल भर पहले सरसों के तेल का रेट लगभग 120 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, जो कि आज बढ़कर लगभग 200 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं अगर बात रिफाइंड ऑयल की जाए तो उसका रेट 100 रुपये से बढ़कर लगभग 180 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आज से साल भर पहले जिस खाने वाले सोयाबीन का रेट 100 रुपये प्रति किलो हुआ करता था, वो आज बढ़कर 180 रुपये प्रति किलो हो गया है। जिस अंडे का रेट लगभग 140 रुपये ट्रे हुआ करता था, वो बढ़कर आज लगभग 180 रुपया प्रति ट्रे हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि केंद्र की सत्ता में विराजमान नरेंद्र मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को या यूं कहें कि खुद प्रधानमंत्री को इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है कि भारत के लोग इस महंगाई में अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कहते हैं कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वह खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी बंद कर दें। अब इससे बेतुका बयान और क्या हो सकता है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं किया हूं, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर मैं पूरा एक वीडियो बना रहा हूं जो कि कल इसी चैनल पर मिलेगा। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो पसंद कर रहे हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। बाकी लोगों से यह गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा।